अब हमें नहीं पता था कि सुबह के 10 बजे ही राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ता ज्ञापन देने पहुंच जाएंगे और साथ में धर्मेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया गया और साथ ही बाराबंकी जनपद के SDM सदर को भी ज्ञापन दिया गया। अब किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है, आइए किसान नेता धर्मेंद्र यादव से ही जान लेते हैं। तो सुनना चाहेंगे तो ये जो सरकार पिछले 5 जून को एक बिल अध्यादेश पारित किया, जो 3 अध्यादेश पारित कर रही सरकार जो किसान के विरोध में है उनको लेके, और बिजली के दाम जो बढ़ाए गए, जो सरकार एक नया नियम ला रही कि किसान से लेके हर एक आदमी को एक रेट में बिजली का बिल देना पड़ेगा, और बढ़े हुए डीजल के दामों को लेके आज हम लोगों ने DM साहब को ज्ञापन दिया है। क्या लगता है प्रशासन को इसमें सुनवाई करेगी? प्रशासन को सुनवाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञापन आज हम यहाँ दे रहे हैं हर तहसील में, हर ब्लॉक में और पूरे प्रदेश के हर जिले में, और देश के जहाँ जहाँ हमारा संगठन है हर जिले में हर DM साहब को ये ज्ञापन दिया रहा। ये ज्ञापन हमारा माने राष्ट्रपति जी के नाम है जो जिलाधिकारी द्वारा जाएगा राष्ट्रपति जी के पास। अगर इस ज्ञापन पर सुनवाई नहीं होती है, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जो 3 अध्यादेश ला रहे हैं, अगर सरकार इसको लागू करने की कोशिश भी करेगी तो पूरे देश में किसान रोड पे होंगे, गांव-गांव से, गली-गली से, हर जगह से आंदोलन शुरू होगा, जिसका खामियाजा सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को 2022 में और केंद्र सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। क्या रणनीति रहेगी आगे? अगर हमारी जो मांगे हैं, जो हमारे संगठन द्वारा जो किसान के अध्यादेश विरोधी अध्यादेश लाए जा रहे हैं, अगर इन अध्यादेशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये सरकार क्या कर रही है कि इसमें MSP का कोई जिक्र नहीं कर रही, जो समर्थन मूल्य है उसको पूरी तरह से खत्म कर रही। अगर सरकार की ऐसी मंशा है तो सरकार कान खोल कर सुन ले इस चीज़ को कि अगर आपने इस पर कार्रवाई नहीं की, अगर इन अध्यादेशों में कोई सुधार नहीं लाया, अगर MSP सुनिश्चित नहीं की गई, तो आने वाले समय में हर जिले में, हर प्रदेश के हर एक कोने में आंदोलन होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की होगी। और तो किसान नेता धर्मेंद्र यादव की बातें सुनकर के आप पूरा माजा समझ गए होंगे, और आपने ये भी सुन लिया होगा और ये भी समझ गए होंगे कि भाई साहब इन्होंने ना ही तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन दिया और ना ही देश के प्रधानमंत्री को, सीधे राष्ट्रपति तक को ज्ञापन दे डाला। फिलहाल जो भी हो, आगे जो भी होता है वो तो देखा जाएगा, पर फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए ABN News 24 की ब्यूरो रिपोर्ट।